महाराष्ट्र प्रांतीय तैलिक महासभा की नागपुर संभागीय बैठक आज नागपुर में आयोजित की गई। वर्धा से बीजेपी सांसद और प्रांतीय तैलिक महासभा के क्षेत्रीय अध्यक्ष रामदास तड़स के नेतृत्व में बैठक हुई। जरां के पाटिल ओबीसी समुदाय से मराठा आरक्षण की मांग कर रहे हैं। सरकार पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने दोबारा अनशन शुरू कर दी है, इसलिए सरकार को जरां के पाटिल के दबाव में आकर ओबीसी समुदाय के साथ अन्याय करने वाला फैसला नहीं लेना चाहिए और मराठा समाज को ओबीसी से आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। ओबीसी समाज के विरोध में तैलिक समाज सड़कों पर उतरेगा। इसके लिए महाराष्ट्र प्रांतीय तैलिक महासभा राज्य भर में विभागवार बैठकें कर रही है। इस अवसर पर प्रांतीय तैलिक महासभा के क्षेत्रीय अध्यक्ष रामदास तड़स ने कहा, तैलिक समाजाच्या या नागपूर विभागीय बैठकीमध्ये आज काय आम्ही ठराव मांडले आणि पूर्ण महाराष्ट्रभर आम्ही विभागीय बैठका घेणार आहे। त्यामागचा आमचा एक उद्देश आहे की आज जे वातावरण आपण महाराष्ट्रात पाहता, जरांगे पटलाने त्या ठिकाणी उपोषणाला सुरुवात केली, अनेक मोर्चे काढले आणि त्यांचं मागणी आहे की मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये समावेश करावा। या मागणीला आमचा विरोध आहे, या महाराष्ट्रातल्या सर्व ओबीसीचा विरोध आहे आणि म्हणून या ओबीसीमध्ये मोठा समाज म्हणून एक तेली समाज आहे आणि आम्ही म्हणून या ठिकाणी आज या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून ओबीसी समाजाला मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये समावून घेऊ नये ही एक आमची मागणी आहे। मराठा समाजाला वेगळा आरक्षण द्यावं त्याबद्दल आमचं मत नाही। महाराष्ट्र प्रांतीय तैलिक महासभा में पारित हुए प्रस्ताव जिसमें मराठा समुदाय को ओबीसी से आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, सरकार को जाति की गणना करनी चाहिए, केंद्र सरकार को आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 50% करनी चाहिए, ओबीसी समुदाय के लिए आरक्षण बढ़ाया जाए। महाराष्ट्र प्रांतीय तैलिक महासभा की इस नागपुर संभागीय बैठक में संगठन का मार्गदर्शन गजानन शेलार, डॉक्टर भूषण कटिले, जगदीश वैद्य, नंदकिशोर डंडारे, चरण वाघमारे, अतुल वांतिले, प्रकाश देवतड़े, माधुरीताई तलमले, बलवंतराव मोरखड़े, नैनी जाड़े इनके मुख्य उपस्थिति रही। इसके साथ ही पूरे पूर्वी विदर्भ से बड़ी संख्या में महाराष्ट्र प्रांतीय तैलिक महासभा के पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक नागपुर के सिविल लाइन स्थित जवाहर छात्र छात्रावास में आयोजित की गई थी। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।